फिर ये प्रोजेक्ट, एक नए डायरेक्टर, प्रोजेक्ट बना कैसे, प्रोड्यूसर मिला कैसे, स्टार्स कैसे आए ऑन बोर्ड? पहले तो मेरा पूरा फोकस राइटिंग पे था, तो इट्स टेकन मी 3 महीना रिसर्च में गया फिल्म के और 6 महीने स्क्रीन प्ले के लिए, अच्छा तो 9 महीने सिर्फ राइटिंग को लगे हैं। उसके बाद मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके नसीर साहब के पास गया, शर्मन जोशी के पास गया और अतुल कुलकर्णी के पास गया। ये 3 एक्टर्स थे जिनको मैंने साइमल्टेनियसली अप्रोच किया, एंड टच वुड टू माई गुड फॉर्चून विद इन अ मंथ्स टाइम ऑल 3 ऑफ देम वर ऑन बोर्ड। दिस इज क्वाइट अनयूजुअल बिकॉज आप जिसका सोचते हैं वही लोग हाँ बोल देते, नहीं तो जनरली ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। जी जी मेरे साथ ये बहुत एक अच्छा फॉर्चून रहा है कि ये तीनों ही एक्टर्स मेरे, नसीरुद्दीन शाह, शर्मन जोशी और अतुल कुलकर्णी, तीनों ही इन कैरेक्टर्स के लिए शॉर्टलिस्टेड थे मेरे जहन में एंड तीनों और तीनों मुझे मिल गए तो लकीली। मतलब आप इसका श्रेय किसको देते, आपकी राइटिंग को कि आपके गुड लक को कि आपकी आपकी मदर इस इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, जी जी तो इज इट बिकॉज ऑफ हर और व्हाट इज इट? नहीं, अपब्रिंगिंग का तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है किसी की भी जिंदगी में, सो ऑब्वियसली फॉर वॉट एवर आई डू द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू माई मदर बिकॉज ऑफ द वे शी इज ब्रॉट मी अप और जिस तरह के उन्होंने वैल्यूज से हमें एक्सपोज करा है और हमें रहने दिया है, हमें करने दिया है वो जो हम चाहते हैं करने। मैं 3 साल एक कमरे में बैठा रहता था और सिर्फ लिखता था और मेरे फादर मेरी मम्मी से कहते थे कि क्या हो रहा है इसे, वो ये क्या कुछ लिख रहा ये है, क्या लिख रहा है, ऐसा जैसे क्या, इनके पेरेंट्स नहीं समझ पाए आई कि ये क्या गा रहे मीन हैं। क्या ये क्या लिख रही, कौन सी नॉवल लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है तुम्हारा बेटा? तो वो उन्हें कहती थी कि रहने दो, लेट हिम फाइंड हिमसेल्फ, लेट हिम फाइंड हिज वॉइस। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो राइटिंग में वक्त बिताना और अपने आप को एज अ स्टोरी टेलर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं शायद वो नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक उम्र के बाद आप फिर उतना वक्त 3 साल डेडिकेटेडली राइटिंग को दें, ये शायद अब मुनासिब नहीं है, बट उस वक्त था और मैंने उस उम्र में कर लिया। आपकी मदर ने लीडिंग एक्ट्रेसेस के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए, तो इस फिल्म में भी इज शी द कॉस्ट्यूम डिजाइनर? जी इस फिल्म में भी एक्चुअली मेरी मॉम ने पिछले 10 साल से तो डिजाइनिंग नहीं कर रही हैं, करेक्ट। लेकिन इस फिल्म के लिए क्योंकि हमारे बजट्स भी टाइट थे और वो सारी चीजें थी और मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने थे एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को, तो मैंने मॉम को रिक्वेस्ट किया और एक दो और डिजाइनर्स थे साथ में नए लोग, तो इन तीनों ने मिल के कॉस्ट्यूम्स किए हैं क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम्स चोर बाजार से खरीदे गए हैं, एज्ड कॉस्ट्यूम्स हमें चाहिए थे, कुछ भी करेक्ट नया नहीं लगना चाहिए था, करेक्ट। तो वो एजिंग की एक टेक्निक गई उसमें जिसके लिए मुझे उनका एक्सपीरियंस चाहिए था ऑन द टेबल।